आले हाथुआ खाड़ा जो जो सुबा जुबाड़ा सुसुने को गे ओने तांगे माई सुको आहो इन तांगे माई सुको सिसिरे जन पड़ी अपाचो। हमारा जो कल्चर है कितना रिच है, कितना धनी है, उसके साथ हम जीते हैं। आदिवासी समाज में बिना वाद्य यंत्र का सांस्कृतिक कार्यक्रम वो अधूरा रहता है। संगीत के साथ साथ नृत्य भी होती है, तो नृत्य में वो जो प्रयुक्त होने वाली वाद्य यंत्र है वो ढोलक है और नगाड़ा है, मांदर है। एक नगाड़ा का दर जब एक बीट बजता है तो उससे क्या होता है, कई गाँव में लगता है कहीं कुछ तो हो रहा है, तो वो लोगों को जोड़ता है, लोगों को बुलाता है, लोगों को एक साथ लेकर के आता है। तो म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को साथ लाने में मदद करता है, लोगों को एक करने में मदद करता है। सेनगे सुसुन काजिगे दुरंग, मुंडारी में एक कहावत है, चलना ही नाच है, बोलना ही गीत है। आज की आधुनिकता में हमारा भी पारंपरिक जो गीत संगीत है वो कहीं ना कहीं विलुप्त नज़र दिख रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं हम दूसरे के कल्चर में मिक्स हो करके ही रह जाएंगे, हमारी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे समय में हम लोगों ने टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ मिल करके ऐसे चीज़ों को बना रहे, बचा रहे, हम इसको सीख रहे हैं। जो हमारे आदिवासियत, हम जो ट्राइबलिज्म की बात करते हैं, जो हमारी यूनिक चीज़ें होती है आइडेंटिटी में, हमारा जो अपना एक कोर होता है, जो वैल्यूज़ होते हैं, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो ये वर्कशॉप यहाँ हमारे ट्राइबल कल्चर सेंटर में हो रहा है, ये हम स्टेप्स करके एक संस्था है उनके साथ में कर रहे हैं। दिस इज एंटायरली अबाउट हाउ टू मेक अ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। इस कार्यशाला में कलाकार के साथ साथ काफ़ी यूथ आए हुए हैं और काफ़ी इंटरेस्ट से इस चीज़ों को सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल भी सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रशिक्षण हुआ इसमें से हम लोग को ढोलक बनाना, नगाड़ा बनाना, मांदर बनाना, ये कैसे बनता है, किस चीज़ों से बनता है, ये सब के लिए हम लोग को बताया गया। मतलब कि एक नगाड़े को बजाने के लिए कितनी मेहनत लगती है और एक नगाड़े को बनाने के लिए भी कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उनका इम्पोर्टेंस हमें पता चल रहा है। यहाँ पर गीत और संगीत और ताल, कौन सा हमारा समाज में ताल है, इन बारीकियों को हम लोग सीख रहे हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे झुक के डांस करते हैं, तो झुक के डांस में भी हमारा एक फ्लो होता है, उसमें एक लचक होती है जो कि हमें नहीं आता था। गांव के जो कल्चर होती है, एक फ्लो, एक वाइब क्रिएट होती है जिस वजह से हम बिना किसी संकोच के डांस कर पाते हैं, तो वो हमने सीखा। आई डोंट थिंक इससे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी कहीं कुछ क्रिएट हो सकता है, ना ही इससे अच्छा एक अचीवमेंट हो सकता है, जहाँ पे हम बात करते कि हम अपने ही लोगों के द्वारा उन्हीं से हम लोग सीख रहे हैं। इस प्रोग्राम से हम यहाँ से सीख करके जाएंगे और हमारे भावी पीढ़ी जो है उनको हम बताएंगे ये हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र है, इसको नहीं भूलना है, ये हमारे समाज को बचाना है। जब यहाँ 60-70 की संख्या में हम प्रशिक्षण ले रहे हैं तो इतने लोगों को प्रशिक्षण दे करके हम लोग इसको बृहद रूप में समाज में इसको फैलाएं, ताकि हम जो सीख रहे हैं वो लोगों तक हम पहुँचाएँ और वो भी सीखे, ताकि हमारा जो वाद्य यंत्र है वो बच पाए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लेगेसी है जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दी है या फिर हमारे बड़ों ने हमें सिखाई है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इसे आगे लेकर के जाना है। सेनगे सुसुन काजिगे दुरंग, सेनगे सुसुन काजिगे दुरंग, सेनगे सुसुन काजिगे दुरंग।